हेलो फ्रेंड्स, होली बहुत ही पास आ रही है और मैं आप सबको आज एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो मेरी फैमिली में जनरेशन से चली आ रही है। हर होली पे मेरी ग्रैंड मदर बेसन की पापड़ी से ही पकवान बनाने की शुरुआत करती थी। इससे ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी पापड़ी आपने नहीं खाई होगी। ये देखिए पापड़ी कितनी क्रिस्पी है और इसका टेस्ट भी इससे अच्छा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको बनाने का तरीका। होली में बेसन के पापड़ी बनाने के लिए एक बड़ी परात या थाली में 1 कप बेसन लेते हैं। वजन में ये लगभग 140 ग्राम होगा। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चुटकी भर हींग पाउडर लिया है, आधा चम्मच अजवाइन। ये उड़द की दाल है जिसको हमने अच्छी तरह से कपड़े में पोंछ के इसको बारीक आटा की तरह पीस लिया है। इसके हम 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे, छोटे चम्मच जिसको धुआंस बोलते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक। सब चीजों को पहले अच्छी तरह मिला लेते हैं। एक चम्मच बड़ा चम्मच के करीब इसमें सरसों का तेल ऐड करते हैं मोयन के लिए। मोयन को भी पहले बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ से रब करके। मोयन अच्छी तरह मिल गया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको एक मीडियम सॉफ्ट डो की तरह इसको गूंद लेते हैं। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे, नहीं अगर बेसन गीला हो जाएगा तो इसको बेलने में बहुत दिक्कत आएगी। बेसन को गूंदते समय ये हाथ में थोड़ा सा चिपकेगा, इसलिए आप इसको नाइफ से स्क्रैप कर सकते हैं। गूंदने में करीब 5 से 7 मिनट लगेंगे। डो बनके तैयार हो गया है, इसको 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ट्रेडिशनली गूंधे हुए बेसन को एक इमाम दस्ता में रख के थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के हम इसको कूटते हैं, जिससे कि पापड़ी एकदम खस्ता बने। लेकिन इमाम दस्ता मेरे पास है नहीं, इसलिए हमने एक चकले के ऊपर इसको रखा है, थोड़ा सा ऑयल डाला है। और ये जो आलू मैशर होता है उससे हम इसकी धीरे धीरे कुटाई करेंगे। कम से कम 8 से 10 मिनट इसको कूटेंगे और फिर इसको हम 5 से 7 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। कूटने से बेसन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि पापड़ी और अच्छी खस्ता बनेगी। इमाम दस्ता लोहे का होता है और उसकी मुसली भी भारी होती है, तो उसमें कूटने में थोड़ी आसानी होती है। चकले पे अगर आप नहीं कूट रहे तो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है उस पर भी आप इसको रख के कूट सकते हैं। आलू मैशर नहीं है तो बेलन की जो पीछे वाली डंडी होती है उससे भी आप इसको आराम से कूट सकते हैं। बेसन अच्छी तरह कूट लिया है, एक बार इसको और थोड़ा सा गूंद लेंगे। रोल बनाकर इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। हमने पापड़ी का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, उतने आटे में करीब 10 से 12 पापड़ी बन जाएगी। इसकी लोई बराबर साइज की काट लेते हैं। सारी लोइयां हम इसी तरह से काट कर रख लेंगे। लोई को फ्लैटन कर लेते हैं जिससे कि बेलने में आसानी हो। थोड़ा सा सूखा बेसन लगाकर लोई को बेल लेंगे। पापड़ी बहुत मोटी नहीं बेली जाती है, थोड़ी पतली पापड़ी अच्छी लगती है। जरूरत पड़े तो थोड़ा सा और सूखा बेसन लगा लेंगे। ये पापड़ी का साइज बनकर तैयार हो गया है। सारी पापड़ी हम इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेते हैं। पहले ये जो पापड़ी की रेसिपी है ये ट्रेडिशनली हमारे घर में बनती है। इसी तरह से आपके घर में भी जरूर कोई ना कोई ट्रेडिशनल रेसिपी बनती होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके घर में कौन सी रेसिपी बनती है।
पापड़ी हमने सारी बेल के तैयार कर ली है। इसको पंखे की हवा में 10 से 15 मिनट रख देंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। बेसन की पापड़ी को फ्राई करने के लिए हमने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप जो भी चाहें ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हमने थोड़ा तेज़ आंच पे गर्म कर लिया है, जिससे कि ऑयल की स्मेल निकल जाए। एक एक पापड़ी डालते जाएंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम पापड़ी को फ्राई करके एक चलनी पर निकाल लेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो भी है वो निकल जाए। इसी तरह से हम सारी पापड़ी फ्राई करके निकाल लेंगे। बेसन की पापड़ी बनके तैयार है। आप इसको महीने भर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी सौगी नहीं होगी। रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। Till then, bye and take care.